सो गाइस स्टार्ट करते हैं आप सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें दिया हुआ है इन फिगर 6.37 जो कि ये रहा फिगर आपका। इफ ट्रायंगल एबीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ किस दो ट्रायंगल की बात कर रहा है। सो सबसे पहले है ट्रायंगल एबीई। सो देखिए ये रहा आपका ट्रायंगल एबीई, दिस इज योर ट्रायंगल एबीई। ये आपका कॉन्ग्रुएंट उन्होंने किसके दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एसीडी के, तो आपका एसीडी ट्रायंगल ये रहा, ये है आपका ए सी डी ट्राइंगल। तो आपको यहाँ पे आप क्लियरली दिख रहा होगा वो किन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कैसे दिए हुए हैं, इन्होंने ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर दिए हुए हैं, तो सॉरी कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, अच्छा सबसे पहले देख लेते प्रूफ क्या करना है यहाँ पे। आपको ए डी ट्राइंगल सिमिलर टू ए बी सी प्रूफ करना है। तो आपके सामने ये रहा ए डी ई, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसको आपको ए बी सी, मतलब ये जो बड़ा वाला है देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैंने ये बड़े वाले को ग्रीन और ये देख रहे हैं ग्रीन ऊपर भी शेडेड है यहाँ पे भी है। सो ए बी, सो इस छोटे वाले को इस बड़े वाले ट्रायंगल के आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, उन्होंने जो भी डेटा आपको गिवन दिया हो। सो सबसे पहले गिवन डेटा में आपके पास क्या है, हमारी ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट हैं। सो ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो यहाँ से देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इट मीन्स क्या होगा, इस कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में आपका ए डी साइड किसके बराबर होगा, ए डी साइड आपका ए के बराबर होगा, और यहाँ पे ए बी जो साइड है वो आपकी इक्वल आएगी ए सी के। और ये मैं बता भी दे रहा हूँ क्यों आया, देखिए यहाँ पे ए डी और यहाँ पे ए है, सो यहाँ से आप ए डी का पेयर बनाइए। देखिए यहाँ पे अगर जो ए डी का पेयर है ए और डी है, सो इसका पेयर यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे इसका पेयर होगा ए ई। देखिए ए डी किसके बराबर है, ए ई के। और यहाँ से फिर ए सी का पेयर अगर आप देखते हैं या फिर ए बी का, देखिए चलिए ए बी का पेयर किसका बनेगा, ये ए सी का बनेगा। तो देख लीजिए बिल्कुल सही लिखा है हमने, ए बी आपका ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे तो मैंने इसको मार्किंग कर ली, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ए डी इज इक्वल्स टू ए ई, और इसके बाद ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी आपके इक्वल है ए सी के। सो ये मैंने दोनों कंडीशन लिख दी, और ये कैसी आई है, बाय सी पी सी टी विच इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सो बाय सी पी सी टी से ये कंडीशन आ गई आपकी। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे आपको इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। ये इक्वेशन वन मान लेते हैं आप इसे, चलिए इसे वन मान लेते हैं, इसे टू मान लेते हैं। सो इक्वेशन वन और टू को आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ई सी आ गया, देखिए ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ इसे थर्ड इक्वेशन, और ये हो जाएगा इन ट्रायंगल। अब आप इन ट्रायंगल देखिए ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल में देखिए अब हम एस ए एस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दो साइड्स आपके कैसे हैं, सेम रेशियो में है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, और ये दो साइड्स आपके सेम रेशियो में आ गए, ए डी ए बी ए ई ए सी। देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग पहले भी करके रखी है। और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, आपका जो एंगल ए होगा वो एंगल ए के बराबर है, इस ए डी ट्राइंगल में एंगल ए है और ए बी सी में भी एंगल ए है, और दोनों इक्वल है बिकॉज जो एंगल ए है वो कैसा है, कॉमन एंगल है। तो कॉमन एंगल है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए आपका साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये क्या हो रहे हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं। साइड एंगल साइड क्यों, आपकी ये वाली साइड ली है हमने, और उसके बाद ये वाला एंगल लिया है, और फिर ये वाली साइड ली है, तो दो साइड्स को कंटेन करने वाला एंगल भी लिया है हमने। तो हम इसमें एस ए एस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे मैं आधा लिख रहा हूँ आप लिख लेना, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ये था सोल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्सरसाइज 6.3। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। गुड बाय।